हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपना देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक है फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ही कुछ भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है सर, क्योंकि एक दो भाई नए आए हैं शायद, वो बोल रहे थे तो इसीलिए। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि पेड है, और पेड भी आप लोगों को बता दूँ कि मात्र 21 रुपीज़ का, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, और लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। इसके अलावा आप सोचिएगा कि कहीं और मिल खोज लें, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा, तो बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैं टेलीग्राम में कोई कॉल कुछ पुट ये सब कुछ नहीं देता हूँ। अब आप बोलिएगा सर ज्वाइन क्यों करें, कर लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि बहुत साधारण सा अपना हम इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है। तो आइए, अभी मैं बहुत ही अच्छा निफ्टी 20 जो है उसका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? निफ्टी 20 इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी, अर्थात निफ्टी 50 को कैसे हम बाई करके डिलीवरी में रख सकते हैं। देखिए, स्टॉक क्या है, धोखा दे देगा, क्लियर कह रहा हूं, स्टॉक धोखा दे देगा, ऑप्शन चेन घर उजाड़ देगा। अब आप देख लीजिए, तो भैया हम लोग निफ्टी पे ही भरोसा करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना कि सर निफ्टी को कैसे कवर करेंगे, तो निफ्टी को हम लोग निफ्टी 20 के माध्यम से कवर करते हैं। अब देखिए, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वेल, उनको इसके बारे में पता चल गया है, वो इस स्ट्रेटजी से साल डेढ़ साल दो साल से काम कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और जो नए जुड़े हैं वो जुड़िए, और आपको मैं बता रहा हूं, आप 6 महीना रुक जाइए, नहीं पैसा आप बनाइएगा तब आप जो बोलिएगा हम उसको एग्री कर लेंगे, क्लियर हो गया। इतना कॉन्फिडेंस है सर, पूछिए क्यों, पूछ सकते हैं कि सर क्यों, सर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? तो भैया हमें स्टॉक पे भरोसा नहीं है, हमें अपने देश के ग्रोथ पे भरोसा है, और जो देश का ग्रोथ है वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस पे भरोसा है। हम उसको खरीदते हैं और डिलीवरी में लेके रखते हैं, समझे ना। हम लोग ये नहीं आज ही खरीदें और मतलब किसी का लॉस करके कहीं बेनिफिट कमाने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग का उद्देश्य वैसा है नहीं। तो हम किस चीज़ से कवर करते हैं, तो निफ्टी 20 से। अभी हम आपको इस पे स्ट्रेटजी भी बताएंगे, मजा आएगा, ठीक है। ये है निफ्टी 20। अब आप बोलोगे सर निफ्टी 20 ये अपना कैसे, तो अपना ब्रोकरेज में इसको सर्च करिएगा, जो भी ब्रोकरेज है, नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे से कनेक्ट होकर खोल सकते हैं, मैं कोई वीडियो का लिंक नहीं दूंगा। हाँ, ये है कि अगर कभी कुछ आप पे ब्रोकरेज की तरफ से समस्या आती है तो मैं आपका मदद कर दूंगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत क्लियर कट आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितना कमिटमेंट करूँगा उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा भरोसा नहीं होता है लोगों का, ठीक है। इसीलिए मैं जितना बोलूँगा उतना ही करूँगा, नहीं तो मैं बोलूँगा ही नहीं, सीधी बात है सर, है ना। तो ये देखिए सर, तो आप निफ्टी 20 खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप बोलिए अरे मैं खरीदने के लिए नहीं बोल सकता ना, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, तो निफ्टी 20 को सर खरीदेंगे तो क्या होगा, तो ये आपके 50 निफ्टी 50 में 50 स्टॉक आते हैं उसको कवर करता है, और आपका 243 जो भी है, हाँ, इतना रुपया जो है वो 50 स्टॉक पे लग जाता है। कितना पे लगता है? 50 स्टॉक पे। एक तरह से समझिए तो ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, ठीक है, है ना। और ETF ही है, इसको क्या बोलते हैं, ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। म्यूचुअल फंड वो भी पैसा इसी में लगाती है, और हम लोग भी पैसा एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के माध्यम से लगाते हैं, मतलब ETF के माध्यम से। म्यूचुअल फंड क्या है, वो अपना चार्ज ले लेती है, है ना, 1% जो भी उसका है, उसका तो पैसा बन जाता है, लेकिन हम लोग का पैसा उस रफ्तार से नहीं बन पाता है। 10-12% चाहिए, आप आराम से म्यूचुअल फंड में निवेश करके ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा चाहिए, 20-25, तो फिर तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सर, अन्यथा ऐसे तो कोई पैसा नहीं देगा, है ना। तो इस चीज़ को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, और 20-25% आपको नॉर्मल मिल ही जाएगा, मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको निवेश पे अपने। सबसे पहली बात कि जब मार्केट में आए हैं ना सर, तो मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी जान जाइए, सबसे पहले माइंड को सेट करना पड़ता है, माइंड कि आप क्या खरीद रहे हैं। आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो उसका क्या क्या देखते हैं, PNL देखते हैं, उसके बाद उसमें होल्डिंग देखते हैं, उसमें FIS का होल्डिंग, DIS का होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, उसके बाद उसके कौन कौन सा कंपनी उसका माल खरीदता है, उसका साल भर क्या है, उसका बोरिंग क्या है, मतलब कर्ज क्या है, इस प्रकार की कई चीज़ें को आप नोट करते हैं एक स्टॉक में। और यहाँ तो वो भी नहीं है सर, यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, तो अब बोलिएगा काहे। हाँ, आपको पता है ना, स्टॉक का कपड़ा फटता है रिटेलर पिट जाता है, क्लियर है, रिटेलर का पैसा फंस जाता है। दुनिया भर का उदाहरण है, यस बैंक वर्तमान में चल रहा है, आइडिया वर्तमान में चल रहा है, जिसमें लोगों का पैसा फंसा है, ठीक है। कभी ये निफ्टी 50 के भी सदस्य हुआ करते थे, यस बैंक खराब हुआ, यस बैंक को बाहर निकाल दिया, निफ्टी 50 दूसरा बैंक को ले लिया और पुनः नया हाई चला गया। तो निफ्टी 50 में जिसने भी निवेश किया लॉस तो नहीं हुआ, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। और वही यस बैंक में कोई किया होगा तो भैया उनको भगवान सद्बुद्धि दे और उनको हिम्मत दे, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ETF को इसीलिए खरीदते हैं सर कि परिस्थितियां जब विपरीत हो फिर भी आपका पैसा डूबे नहीं, पैसा कहीं भी हमेशा के लिए ब्लॉकेज ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 50 जो स्टॉक है उसमें निवेश होगा, 82% लार्ज कैप है, मिड कैप
3% है और स्मॉल कैप तो है ही नहीं, अदर्स में है। अब इसमें आप जो भी नामी ग्रामी आपको जानकार मतलब जानते हैं, जो आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो देखिए, HDFC, रिलायंस, ICIC, इंफोसिस, TCS, लार्सन टू गोटी, ITC, एक्सेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय, इस तरह से तमाम है। अरे भैया 16 सेक्टर को कवर करता है, ठीक है, कौन? निफ्टी 50। और निफ्टी 50 को हम कवर किसे करते हैं? निफ्टी बीज से, निपॉन का। तो आप बोलिएगा सर इससे क्यों करते हैं? भाई वॉल्यूम है ना फाड़ू टाइप का, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम है और इतना बड़ा पैसा इसमें डेली ट्रेड होता है कि कोई भी क्वांटिटी जब चाहिए तब आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लिक्विडिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं 32-33 ETF कवर करता हूँ और मैं पूरे ETF का ठेका नहीं लेता हूँ, जो भी 194 समथिंग कुछ भी होगा मैं सबका नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसमें लिक्विडिटी है वही मैं ले रखा हूँ और मेरा जो भी ETF है वो हर एक सेक्टर को कवर करता है, इवेंट मल्टीपल सेक्टर को कवर करता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉडर मार्केट। ये आपको निफ्टी 50 जो है एक प्रकार से ब्रॉडर मार्केट का है, ठीक है। अब आप बोलेगा सर ये ब्रॉडर मार्केट का होता है, अरे भैया क्या करें, नया आदमी को जब ETF के बारे में बताना पड़ता है ना तो बहुत कुछ बताना पड़ता है। और आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी खरीदने के लिए नहीं बोलूँ, सीखने के लिए बोलूँ। जब आप सीख जाओगे ना तो खुद ही आप खरीद लोगे और खुद ही अपना, ये देखिए ब्रॉड मार्केट है ना, ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस, इसमें आ गया निफ्टी 50, निफ्टी इंडेक्स 50, निफ्टी 100, 200, मतलब समझ रहे यही है, ये आपको पूरा ब्रॉड मार्केट का देता है जो मैं डेली बताता हूँ। फिर आपका सेक्टर चलता है वो एक अलग मैटर है, क्लियर हो गया? तो आप बोलेगा हाँ सर अब समझ गए। अब आपको मैं बताता हूँ निफ्टी 50 का रिटर्न क्या है, ठीक है, और उसके बाद हमारा स्ट्रेटजी क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी मैं कोई फर्स्ट बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ और मेरे जितने भी साथी हैं इसमें अच्छा पैसा बनाए हैं। अभी रिसेंट का है, 3-4 महीना पहले 186 पे था ये, आज 143 है। एक साल का रिटर्न देख लीजिए, 30% का रिटर्न है साहब, ठीक है, 30% का रिटर्न। और हम लोग इसमें निवेश नहीं करते हैं। तो आप बोलिए क्या बवाल कर रहे हैं सर, एक तरफ बोलते हैं कि निवेश करना है, एक तरफ बोलते हैं कि निवेश नहीं करना है। यस, हम लोग इसमें निवेश नहीं करते, हम लोग इसमें स्विंग करते हैं। क्या करते हैं? स्विंग करते हैं। तो आप बोलिएगा सर स्विंग क्या होता है? तो स्विंग मतलब झूला, समझ गए, झूला, झूला झूलने वाला। जिस तरह मान लीजिए यहाँ से एक झूला है यहाँ पर ही, और ये ऐसे यहाँ से आप इसको झूला दीजिएगा तो एक बार यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, समझ रहे ना? तो इसी झूला का हम लोग पार्ट बनते हैं और ये स्विंग जो करता है इसी को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी आप लोगों को पहले भी बताया गया है हमारे OS, जो OS का मतलब हम बोलते हैं ओल्ड सब्सक्राइबर, इसके मतलब बोलते हैं ना परिचायक है, इसके जीते जागते मतलब क्या बोलते हैं उदाहरण है, कि मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, एक साल का रिटर्न 30% का है और 5 साल का रिटर्न देखिए सर 20% से प्लस में है। निवेश भी करके कोई छोड़ दिया ना वो भी बना लिया, और जिसने स्विंग कर लिया वो तो अलग है, उसका तो अलग हिसाब किताब है, ठीक है। और आप लोग बोलते हैं कि सर स्विंग में सर मान लीजिए हम निफ्टी 50 के लिए 1,00,000 रुपया रख दिए, आप जिस तरह कहते हैं सर कि 1,00,000 रुपया हम निफ्टी 50 के लिए रख दिए, है ना, ऐसे कोई रखता तो है नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप बोलते हैं कि हम रख दिए, तो देखिए आप इसमें 2 लॉट लगा लेते हैं, ठीक है, तो बाकी पैसा आप बॉन्ड में रख देते हैं, तो वहाँ 8% तो दे ही रहा है बॉन्ड, LT-GILT बीच जो भी कैश है वहाँ आप रख देते हैं। बाकी मैं अभी आपको इसके बाद वाला वीडियो में बता दूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना कैश होना चाहिए और कब कब उसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दूंगा, ठीक है। हालांकि उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मैं आप लोगों को मदद कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको आने वाला समय में कोई भी समस्या आए तो उसमें आप उसको हैंडल कर सको, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्विंग में आपको ये 2020 का भी आ गया है, कोई बात नहीं, ये देखिए स्विंग जो है ना ये, तो निफ्टी की गिरावट जो होती है, अभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें भी निफ्टी 13% के आसपास गिरा था, 15% के आसपास, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी गिर जाना होता है, निफ्टी 15% बहुत हो जाता है, रनिंग करेक्शन 8% का होता है, क्लियर है, 8% बस काफ़ी है, 7-8%, बाकी ऐसे तो 2-3% ही गिरता है तो लगता है कि बहुत हो गया, मार्केट में पूरा हाहाकार मच जाता है, स्टॉक का तो बुरा हाल हो जाता है, और 8% गिरना मतलब काफ़ी हो जाता है, ठीक है, और 15% मतलब ठीक ठाक करेक्शन हो जाता है। तो अभी 2022 में इसका करेक्शन हुआ था और ये अभी थोड़ा टाइम लेके फिर करेक्ट होगा। तो अब हम आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताने से पहले बता देता हूँ कि आप इसको कहीं भी बाई करिए, ये स्ट्रेटजी के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी ये यहाँ कंप्लीट नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉट ले लीजिएगा, तो आप लॉट मतलब उसको आप 20,000 खरीद दीजिए, 30,000 खरीद दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम में लगाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है ना। तो आप यहाँ फर्स्ट लॉट ले लीजिए, अब यहाँ से आप 3% डाउन गया तो आपने सेकंड लॉट ले लिया, कहीं भी आप लिए, ये मेरा खरीदने का जगह से आप मत खरीदिएगा, समझे ना, जो नए लोग हैं खासकर सुनिए, कि ये मत सोचिएगा कि सर आपने खरीद लिया अब हमको खरीदा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपना खरीदिए, आप अपना लेवल खरीदिए, आप अपना लेवल को रिस्पेक्ट करिए और अपने लेवल से आप आगे बढ़िए, आपको मेरा लेवल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ एक पारदर्शिता आपके सामने और अच्छा आ गया कि हाँ यार चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं है पंप डंप वाला हिसाब किताब तो नहीं है, ये भी यहाँ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो माइंड क्लियर हो गया ना कि आप कुछ भी कर लीजिए इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर 3% के नीचे आया तो आप थर्ड लॉट लगा लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार 6% में आपका 3 लॉट लग जाएगा, और मैं तो 6% ही काफ़ी देखता हूँ, जो भी लास्ट लॉट लगेगा उस पर आप डबल 6% का प्रॉफिट लेके निकलिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना
सेकेंड लॉट आपके यथा अनुसार मर्जी का है, कोई 5 भी ले लेता है, कोई 2 भी ले लेता है, वो आपका अपना मर्जी पे है, ठीक है। और जब ये फर्स्ट लॉट जो आपने लगाया है, जिसको सबसे पहले बाई किया था, उसको सबसे बाद में निकालिएगा। और जब ये निकालिएगा, मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट डे प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के बाई करना है, क्लियर है। तो आप बोलिएगा सर उस दिन काहे छोड़ देते हैं, तो हम यही कहेंगे थोड़ा मार्केट को छोड़ना भी सीखिए, हमेशा उसमें कूदे रहना और नहीं है। आपके पास और भी ऐसे थे 30 ETF है ना जी, 20 ETF में भी आप करें, तो जिस दिन आप भाई इसको बेचें उसमें मत करिए, दूसरा में कर लीजिए, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिए और अगला दिन आप इसको कर लीजिए, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल मिला के लॉट आपका बड़ा हो जाएगा और आप आगे बढ़िएगा। और इसके बाद अगर कोई इस पे TBSM का रूल नंबर 12 अप्लाई कर दीजिए, आप मेरा रूल नंबर 12 जाके देख लीजिए, बहुत सही है, हो गया। तो इसके बाद आपका ये स्ट्रेटजी है। तो आप बोलिएगा सर ये स्ट्रेटजी तो बता दिए, नया क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है। अभी जिस तरह मार्केट में हल्का सा एक थोड़ा सा 1000 पॉइंट का मूव, चाहे 500 पॉइंट का मूव नीचे या ऊपर की तरफ दिख रहा है सपोज करिए, तो हम यहाँ पर ही 3 घंटे का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। और 200 मूविंग एवरेज, ये येलो कलर का है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसे तो मैं येलो ही रखता हूँ क्योंकि मेरा पूरा येलो में ही रहता है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलो रेड कर देता हूँ अभी, अभी के लिए मैं हल्का सा ये कर देता हूँ, ठीक है। अब तो दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर अब दिख रहा है। तो ये जो कलर है ये 200 मूविंग एवरेज का है। 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी निफ्टी का वॉल्यूम आता है, निफ्टी का प्राइस आता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्लियर है। नहीं तो मैक्सिमम ये ऊपर रहता है, और जब 200 मूविंग से नीचे जाता है तब तो भैया आपके लिए ना ऑफर फॉर सेल का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है कि आप इसमें निवेश करिए, जितना गिरता है गिरने दीजिए, घूम के वापस ऊपर जाएगा ना तो आपका लॉट साइज भी बड़ा हो जाएगा और पैसा भी, फिर प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा, मजा आ जाएगा। तो आप बोलेगा अच्छा सही में सर रियली बता रहा हूँ। और ये देखिए, और जब तक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अपना 3% में स्विंग करते रहिए। एक अकाउंट मत रखिएगा, दो अकाउंट खोल दीजिए, 200 300 400 500 रुपया के लिए ज़्यादा माथा में किचकिच नहीं करने का है, ठीक है। साल भर भाई ब्रोकरेज सर्विस देता है तो उसको भी इतना हक तो बनता है, ठीक है। तो आप देखिए 200 मूविंग एवरेज से ये ऊपर है। अब आप बताइए कब डाउन हुआ था, तो नवंबर में डाउन हुआ था, नवंबर में ये निकला था, और उसके बाद देखिए अभी तक ये नीचे आया ही नहीं, ठीक है। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, 200 मूविंग एवरेज से नवंबर में निकला था और वहाँ से इसने कितना परसेंट का रिटर्न बना के दिया है ये आप देख लीजिए, आप लोगों के सामने रहेगा। हाई लगा देता हूँ यहाँ तक, देखिए यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, छोटा सा है, आपको 15.46% का रिटर्न दिया है, ठीक है। उसके बीच में स्विंग भी दिया है, कोई बात नहीं। तो आपने ये चीज़ देखा कि 200 मूविंग एवरेज से जब ऊपर निकलता है तो अच्छा देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा अच्छा ही दे, कई बार 200 मूविंग से नीचे भी आता है और वो पैनिक का समय होता है, ये पैनिक का समय होता है। इसीलिए इसके लिए मैंने बहुत सिंपल रूल नंबर 13 लगा रखा हूँ, इसको भी वीडियो देख लीजिएगा, रूल नंबर 13 बहुत सिंपल है, एकदम बच्चा जैसा है, तब आपको आधा चीज का नॉलेज हो जाएगा। अब ये देखिए 200 मूविंग एवरेज आपके सामने है और यहाँ देखिए हमेशा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, लेकिन 2022 में ये नीचे भी आया था, 23 में भी नीचे आया था जनवरी के समय, और उसके बाद देखिए क्या मूव दिखाया, ठीक है। तो यही चीज़ है सर, आप यहाँ और नीचे देखिए 2022 में जो रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था उस समय आपको यहाँ पर ही डाउन साइड में दिखा था, और उसके बाद आप देखिए उस समय निफ्टी 15,000 के आसपास आया था और आज कहाँ 22,000 के आसपास है, बताइए 7,000 पॉइंट का रैली एक तरफा दिया। तो अब ये तो क्लियर हो गया ना कि निफ्टी 50 को कवर किसे करें, तो हम लोग निफ्टी बीच से कवर करते हैं। तो अभी के लिए ये 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और निवेश करने का अपना लॉट साइज अब बड़ा करने का बढ़िया है। अगर ये नीचे आता है तो अब मैं उसका लेवल भी आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ, जिससे क्या है कि एक ही वीडियो में आपका नॉलेज हो जाए। तो ये देखिए अभी यहाँ 21,900 हम लोगों ने डाटा निकाला था, जहाँ की प्रो का बाइंग आ रखा है, लेकिन प्रो ने पोजीशन कम किया है। तो अब ये शुरुआत, मतलब भाई कम तो किया ना, हो सकता है प्रो अपना पोजीशन नीचे कर दे, कोई बात नहीं, उसको बेचना पड़ेगा। अगर 900 टूटता है तो निफ्टी 800, और 800 टूटता है तो निफ्टी 500, बस तीन लेवल याद रखिए। अभी 22,000 के आसपास है और यहाँ पर ही टूटता है, 900 टूटता है तो 800, और 800 टूटता है तो 500, काफ़ी है, यहाँ एक हेल्दी करेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए मार्केट में करेक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा ये हम लोग को पता नहीं, हम लोग को क्या पता है कि मेरा पोर्टफोलियो में क्या पोजीशन है वो, और 500 तक आना आपको अच्छा खासा 4.5% का करेक्शन दिख जाएगा। तो आपका इस समय और मतलब ठीक ठाक एक करेक्शन भी रनिंग करेक्शन के तौर पे ये पूरा होता हुआ दिखेगा, साथ में 200 मूविंग एवरेज से नीचे भी रहेगा, तो यहाँ दो तरीका से आपको निवेश करने का साइन मिल रहा है। तो मेरा ऑलरेडी इसमें 2 लॉट लगा हुआ है और मैं कोशिश करूँगा इसमें लॉट साइज बड़ा करने का SIP के माध्यम से। SIP मतलब जब मन किया 2,000 का खरीद लिया, जब मन किया 1,000 रुपया का खरीद लिया, 5 तो खरीद लिया 1,000 रुपया हो गया,
है ना, 5 ETF खरीद लिया निफ्टी 20 का, हो गया 1000 रुपया, मन किया 10 खरीद लीजिए, हो गया 2500 रुपया, समझ रहे। तो हम एक दिन में नहीं करेंगे, हम अपना लॉट साइज बड़ा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है, इतिहास गवाह है कि ये ऊपर ही जाएगा, आदमी और निफ्टी ऊपर ही जाना है, कोई इसको रोकेगा नहीं। और 23200 इसका आने वाला टारगेट है, 500 तक का आप लोगों को मैंने पहले बोला था, जो कि आ गया 23200, हो सकता है अगर ये घूमा तो 23200 आपको दिला देगा, ठीक है। और मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि अभी इसलिए नहीं गिरेगा कि सरकार क्या बोलेगी है कि मार्केट गिर गया, ये अचीवमेंट दिखाएगी, सर मई तक मतलब ही नहीं है, बल्कि ये तो ऊपर जाएगा और एक डिप दिखाएगा, जिससे क्या है कि लोगों में हल्का पैनिक होगा और अचीवमेंट के तौर पे बताया जाएगा कि भाई तेल का भी रेट कम कर दिए और मार्केट भी हाई पे है। अब सोचने वाले सोचेंगे कि सर इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप किसी स्टॉक को ना मैनेज कर सकते हो, समझ गए, किसी स्टॉक को आप मैनेज कर सकते हो, किसी दो स्टॉक को कर सकते हो। इवेंट मैं बोलता हूँ चलो बड़े बड़े लोग रिलायंस तक को, ऐसे तो रिलायंस तक तो कपड़े फाड़ देगा, वो इतना बड़ा हैवी काउंटर है, समझ रहे ना, बहुत बड़ा हैवी काउंटर है। मैनेज जो होता है वो छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, जो 2000, 2500, 3000, 5000 का कंपनी है, उस पर आदमी थोड़ा अटैक करता है, क्योंकि वहाँ उनका पैसा बनता है। रिलायंस जैसे पे नहीं, मैं गलती बोल दिया, तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, बात में बात निकल गई, तो रिलायंस तो फिर भी है ना। अब बताइए 50 स्टॉक जिसमें है निफ्टी 50 को, उसको कौन मैनेज कर देगा जी, इंडेक्स को? इतना हैवी काउंटर है कि भैया इसको छोड़ के ना पूरे बाजार में घूम जाइए आप, पूरा बाजार, कोई इतना आपको सियोरिटी नहीं देगा जितना ETF में निफ्टी 20 देता है और इंडेक्स निफ्टी 50 देता है। इसीलिए कभी भी गिरावट होता है तो बड़ा पैसा ऑटोमेटिक निफ्टी 50 में लगना शुरू हो जाता है लार्ज कैप में। अब आप बोलोगे सर इसका मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ, किसी भाई को लगता है कि सर ये वॉल्यूम कम होगा या जो भी होगा, बाकी ये 22,329 करोड़ का निफ्टी 20 का क्या है, मार्केट कैप है, क्लियर है। 60% डिलीवरी उठा है और इसका मैं तो डेली बेसिस पे आप लोगों को अलर्ट करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, नॉलेज देता रहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 104 करोड़, ठीक है, 104 करोड़ 71,43,919 का वैल्यू हुआ, और वॉल्यूम हुआ 43 लाख का, मतलब 43 लाख का वॉल्यूम हुआ और 104 करोड़ का पैसे का वैल्यू के साथ ट्रेड संपन्न हुआ, जिसमें ट्रेड क्वांटिटी आपको 43,330 थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप ट्रेड क्वांटिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है और वैल्यू ज्यादा है, तो समझ लीजिए बड़े पार्टी ने हाथ मार दिया है, ये भी ध्यान रखा करिए, समझ गए। बहुत कुछ होता है मार्केट में, मार्केट को कभी एक चीज से देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते, कई चीज देखा जाता है। अब बुरबक बनाने के लिए तो हम भी बताते रहेंगे कि हाँ ये लाइन तोड़ेगा तो ये आएगा, ये आएगा। यहाँ देखिए कितना बड़ा पैसा लग रहा है और 3 दिन से देखिए इतना इतना का वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है और निफ्टी 20,000 पे ही है। अब आप बताइए, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 200 मूविंग एवरेज के पास निफ्टी आ गया है और यहाँ से जब भाग जाएगा ना 23,200, अपना काटोगे तो खून नहीं है। जिस तरह 18,000 में भी लिया नहीं जा रहा था लोगों से, लोग बोल रहे थे सर बबल बन गया, ये बन गया, मैं उस समय बोला था भैया 19,400 जाएगा, भैया 20,000 तक पहुंचा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला भैया अब 20,000 नहीं, अब 22,000 जाएगा, आपके सामने देखिए 22,500 तक पहुंचा। बीच बीच में डीप दिखाता है, ठीक है, इसमें डरना नहीं है और इसमें निवेश करके रखिए, आपको निफ्टी 20 से 22% का स्विंग के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आप अभी निफ्टी 50 के रिगार्डिंग जो भी आपको समझना था मैं उसको बताने में मतलब सक्षम हुआ, बाकी वीडियो इस पे आते रहेगी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।